हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको मैं वीलुकअप फंक्शन, जिनको जैसे न्यू यूज़र्स हैं जिनको मतलब वीलुकअप के बारे में मालूम नहीं होता है, उनको वीलुकअप फंक्शन के बारे में इसका बेसिक आइडिया बताऊंगा कि बेसिकली इसको लगाते कैसे हैं और इसको कौन सी स्टेज पर लगाना चाहिए हम। और हमारा मतलब सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें वीलुकअप फंक्शन लगाना कहाँ है। तो इसके बारे में मैं आपको, जैसे कि आपको बिल्कुल भी मतलब इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, आपने खाली इसका नाम सुना है, तो बेसिकली आई विल टेल यू अबाउट द दिस फंक्शन फंक्शनैलिटी, बेसिक रूल्स, बेसिकली इसको लगाते हैं इसका क्राइटेरिया क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो जैसे कि आप टाइटल देख सकते हैं, यहाँ पर वीलू का फंक्शन फॉर न्यू यूज़र, और यहाँ पर मैंने एक डमी डेटा क्रिएट किया है, सेल्स डेटा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंट्री, एजेंट और सेल्स, तो ये मैंने ऐसे ही रैंडमली डेटा पिक किया है, जिसमें इंडिया का जो एजेंट है उसके राहुल, उसकी सेल्स 10,000 के, 10,000 ओनली, सॉरी 1K बेसिकली, 10K, पाकिस्तान, मोहम्मद, ये इस तरह से हमने डेटा लंदन, अफगानिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स और बांग्लादेश का हमने डेटा उठाया। सपोज ये किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी का कोई डेटा है, आप इसे मतलब अपना एक पर्सनल डेटा से भी रिलेट कर सकते हैं। तो सपोज़ ये हमारे पास ये किसी कंट्री का डेटा है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको एक मिनट हटा ही देते हैं इसे यहाँ से। ओके, लेट सपोज़ यहाँ पे मेरी कंट्री का डेटा इस तरह से है, मेरा सपोज़ यहाँ पे मेरा एक डेटाबेस बना हुआ है, और यहाँ पे मुझे सिर्फ किसका डेटा निकालना है, मुझे निकालना है सिर्फ अफ़गानिस्तान का डेटा, राइट। तो अफ़गानिस्तान डेटा, जैसे मेरे को ये मेरा एक डेटाबेस किसी अलग वर्कबुक में हो सकता है, किसी अलग वर्कशीट में हो सकता है, कहीं पे भी हो, मतलब ये मेरा एक्सेल फॉर्म में कहीं पर भी हो मेरे पास डेटा, और मेरे पास इस तरीके से हज़ारों में डेटा है, लाखों में डेटा है, मतलब मतलब बहुत सारा डेटा है मेरे पास, और मुझे ना किसी एक पर्टिकुलर यूज़र का ही एक डिटेल चाहिए मुझे। सपोज़ मेरे को किसी ऑफिस में मैं काम करता हूँ, और मेरे को बता दिया कि ये मेरा डेटाबेस है, मुझे इन पर्टिकुलर लोगों की ही इंफॉर्मेशन चाहिए, और डेटा हमारा इस फॉर्म में है, मतलब हमारे जो जो नाम है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, कॉलम में है हमारा डेटा। तो हम वी लुकअप लगाएंगे, वी मीन्स वर्टिकल, लुकअप, राइट। सपोज़ मेरे पास ये मेरा डेटाबेस है, और यहाँ पे मुझे अफ़गानिस्तान का डेटा निकालना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाऊंगा। ये मैं एक आपको बहुत बेसिक वाला वी लुकअप का फंक्शन बता रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो एडवांस वाले फॉर्मुलेज भी इसमें आपको मिल जाएंगे वी लुकअप के। वी लुकअप बहुत तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है और कैसे लगाया जाता है ये। तो वी लुकअप लिखूँगा मैं यहाँ पर, और वी मैंने इज इक्वल टू लगा के वी और एल लिखा, तो जो नीचे इंटेलिजेंस लिस्ट आती है ये, इसमें वी लुकअप लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आ गया है। तो मैं यहाँ पे टैब का बटन प्रेस करूँगा, तो ये मेरा जो फर्स्ट स्मॉल कॉलम है ये वाला आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे अब आपने लगा लिया, तो आप नीचे देख रहे होंगे, ये इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस लिस्ट, जिसको मैं अपने माउस की से लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं पर भी ले जा सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसे लगाया, तो हमारा जो सबसे फर्स्ट वाला क्राइटेरिया हाईलाइट हो गया, ये देखिए येलो में आ गया, मीन्स सबसे पहले हमें इस वाले क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। तो लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मीन्स किस वैल्यू को हम अपने डेटाबेस में ढूंढेंगे। तो मैं अफ़गानिस्तान को ढूंढूंगा, राइट। फिर यहाँ पर क्या आ गया, लुकअप वैल्यू का देख कॉमा है, तो मैं कॉमा को पे क्लिक कर दूँगा। फिर आता है टेबल एरे, टेबल एरे मतलब होता है कि हमारा वो डेटाबेस कौन सा डेटाबेस है, उस हमें पूरे डेटा टेबल को टेबल एरे कहते हैं। तो मैंने पूरा टेबल एरे मतलब पूरा का पूरा तीन टेबल में हमारे पास डेटा है, तो तीनों को मैंने B5 टू D11 पूरा सिलेक्ट कर दिया है। टेबल एरे हमारा एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। फिर यहाँ पर आता है कॉमा, तो कॉमा के बाद आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो देखिए, जो हमने अभी भी आप देख सकते हैं, ये रेड कलर का जो आपको एक दिख रहा है जिसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ, तो ये हमने डेटा को जो सिलेक्ट किया था, तो इसका मतलब क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर, जो हमने डेटा को सिलेक्ट किया है इसमें कॉलम इंडेक्स एजेंट की कौन सी है। तो मैंने 1, 2, 3 तीन ही कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इन तीनों कॉलम में से एजेंट की कॉलम इंडेक्स क्या है, कॉलम का नंबर क्या है। तो जैसे मेरे तीन कॉलम है, तो ये 1, 2 सेकेंड नंबर पर हैं, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा 2।
देन कॉमा. तो यहाँ पे हमारे पास अप्रोक्सीमेट मैच के लिए ट्रू, एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स. तो आप यहाँ पे फॉल्स भी लिख सकते हैं. नॉर्मली आप जीरो लगाइए, इसके बारे में आपको डिटेल में एक नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा. तो आप नॉर्मली जीरो पुट कीजिए, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच ही होता है ये. और इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास मुस्तफ़ा आ गया है यहाँ पे. इसी तरीके से मुझे अगर सपोज़ मेरे एजेंट की वैल्यू आ गई है, अब लेट सपोज़ मैं यहाँ पे अफ़गानिस्तान के बदले इंडिया लिख देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे राहुल ऑटोमेटिकली पिक हो गया है. इसके बदले मैं अगर बांग्लादेश लिख देता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा अविराम आ गया है. इसी तरीके से मुझे इसकी सेल्स भी अगर पता करनी है तो मैं फिर से वी लुकअप लगाऊंगा. फिर से आप इसमें देख सकते हैं कि लुकअप वैल्यू, कि कौन सी वैल्यू को मुझे पिक करना है. तो मेरी जो वैल्यू है, लुकअप वैल्यू मेरी बांग्लादेश है कॉमा. इसके बाद टेबल एरे, टेबल एरे मेरे डेटा कहाँ पर है मेरा, बस ये मेरा टोटल डेटा बेस है जिसमें से मैंने जहाँ जहाँ पे मेरा डेटा है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है. देन अगेन टेबल एरे के बाद हमारे पास एक कॉमा आता है, कॉमा के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर आता है. तो इस सिलेक्टेड डेटा बेस में से हमारे पास सेल्स का कॉलम कौन सा है, तो 1, 2, 3. तो मेरा सेल्स का कॉलम है 3, देन कॉमा और 0 और देन ब्रैकेट क्लोज. तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई है. इस तरीके से आप वी लुकअप को बहुत इजीली आप लगा सकते हैं. तो देखिए मैं इंडिया को चेंज करूँगा तो यहाँ पे 10,000 आ गया है. यूनाइटेड स्टेट को करूँगा तो ये आ गया है. तो फंक्शन मेरा जो ये है, इसको मैं यहाँ पे स्पेस लगा के इसको दिखा भी सकते हैं कि इसमें क्या लगा हुआ है. इस वाले फंक्शन में इसमें ये वाला फंक्शन लगा है और इस वाले फंक्शन में लगा है मेरा ये वाला फंक्शन लगा है. तो देखिए बहुत इजी फंक्शन है वी लुकअप. बस इसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको अपना क्राइटेरिया को कैसे देखना है. जैसे कि वी लुक इज इक्वल टू वी लुकअप तो हमें लगाना ही है. वी लुकअप लगाने के बाद वी लुकअप लगाया हमने, वी लुकअप लगाने के बाद K9 हमारे पास ये वाली है लुकअप वैल्यू. लुकअप वैल्यू के बाद हमारे पास आता है डेटा जो हमने सेलेक्ट करना है. तो हमारे पास डेटा ये वाला है हमारे पास. तो डेटा वैल्यू में एजेंट कौन से पे है, दूसरे नंबर पे है. तो 1, 2, तो हमने 2 लिखा है, 0 होता है, एग्जैक्ट मैच 0 ही लिखिएगा आप स्टार्टिंग में अगर आपको बेसिकली यूज़ करना है. इसके बाद इसमें एडवांस ऑप्शनल ऑप्शंस भी होते हैं जिन्हें हम बाद में यूज़ करेंगे. सेकेंडली फिर सेल्स वाले में क्या किया, इज इक्वल टू वी लुकअप का फंक्शन लगाया. फिर हमने अपने डेटाबेस D5 से D11 को सिलेक्ट किया. फिर हमारा इस D5 से D11 में कॉलम इंडेक्स नंबर था 3, 1, 2, 3. ये हमारा 1 होता है, ये हमारा 2, ये हमारा 3. अगर सपोज इसके बाद कोई और कॉलम भी होता है और सपोज उसमें लिखा होता है कुछ और एवरेज वाला लिखा होता है, सपोज एवरेज का था तो कुछ, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे. बाकी हमारा स्टार्टिंग का फेस इतना ही रहेगा, खाली हमारा डेटाबेस का जो सिलेक्टेड एरिया है वो चेंज हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं कि कितना ईजी है इसे लगाना. तो आप इसे ट्राई कीजिए एक छोटा सा डेटाबेस में लगा के. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.